जितना ये बना था अब इसके अंदर डाल देना है। देखा आप स्नैक्स की जगह पे खा भी सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक राजपूत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी मैं आप सबको बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी लेके आई हूँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थैंक यू 5K कम्प्लीट करने के लिए। तो यहाँ देखिए पानी गर्म होने के लिए मम्मी चढ़ा रखी थी, गर्म होने के लिए पानी पहले चढ़ाएंगे सोयाबीन के लिए। सो यहाँ पर थोड़ा सोयाबीन है, ये थोड़ा उबल गया है, इसमें डालेंगे। ओनली 10 मिनट जी बन के रेडी होती है। जो सिंगल लोग होते हैं, जो जिसके पास टाइम नहीं होती है खाना बनाने के लिए, वो भी बना सकते हैं। और यहाँ कुछ मसाले हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए इसको इसको ओनली 1 से 2 मिनट इसको ये देखिए, देखो ये देखिए, इसको ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे साइड में। और ये पापा के परी बना रखे मम्मी को, हेलो पापा की परी। देख लीजिए वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मस्ती मजाक भी होती है हमारे टेंट वाला भैया। कैसे फूल गया, ये बड़ा बड़ा सा हो गया है। और ये बहुत बड़ा वाला सोयाबीन है, देख लीजिए साइज से कितनी बड़ी है। ये सब्जी बिल्कुल चिकन फेल है। यहाँ एक कपड़ा लिए साफ सुथरा, इसमें इस तरह से पानी इसकी सारी निकल जाएगी अच्छे से। देसी स्टाइल, यूनिक स्टाइल। इस तरह से देख लीजिए पानी सब निकल गया, थोड़ा ठंडा करके करिएगा। देखा आप कितना अच्छा सूखा सूखा सा हो गया है। इसमें जाएगा 2 चम्मच बेसन जा रहा है। ये यूनिक तरीका है और बिल्कुल लगने वाला है चिकन फेल। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर इसमें मिक्स था। यहाँ जाएगा स्वाद के अनुसार नमक और इनको करेंगे सबको अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा हो गया बेसन के साथ मिक्स कर दिया था। कितना पानी है ये भी ऑब्जर्व कर लिया इसने। यहाँ मम्मी टमाटर कट कर रही है, टमाटर कट करके इसका ग्रेवी बनाएगी। अदरक, लहसुन और प्याज दो, इनका पेस्ट बन रहा है। ये मम्मी तेल डाल रही है और ये देखिए दोनों मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए तेल गर्म होते जितना ये बना था अब इसके अंदर डाल देना है। और ये ऐसे फ्राई कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट में ये फ्राई भी हो जाएगा। देखो ये सारे फ्राई हो गया, इस तरह से निकाल लेंगे इसे। आप स्नैक्स की जगह पे खा भी सकते हैं। यहाँ इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जाएगा थोड़ा सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा मिर्च, धनिया, काली मिर्च का पाउडर है, मसाला भी हल्की जाती है इसके अंदर। मैं वीडियो देखे कितनी मेहनत से बनती है, इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, नमक उसमें भी गया है, उसी के हिसाब से रखिएगा। तो ऐसा हो गया तो डालेंगे जूस, जो टमाटर हम बनाए थे मिक्स करके वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के उनको अब अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हारे की सहारे की जय, बाकी बिहारी की जय, हमारा मंदिर का लुक देखे बताई गई रही।
यहाँ थोड़ा डालेंगे कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता से थोड़ा सा फ्लेवर और जो ग्रेवी बनता है ना बहुत ही टेस्टी होती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा किसी सब्जी में। बहुत ताज़ी फ्रेश हम फ्रिज में रखते हैं हमेशा। और सोयाबीन इसके अंदर डाल के अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। मसाला थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी है, साथ के सोयाबीन भी फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डाल के गैस का फ्लेम करेंगे तेज़। तो देख लीजिए कितनी अच्छी, इसको ऐसे सूखा भी बना कर रख सकते हो, लंच में दे सकते हो। ये हम बना रहे थे डिनर, तो हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, डालेंगे इसमें पानी, यहाँ पानी डालेंगे, देख लीजिए जितना आपको ग्रेवी रखना है उसको डाल के पानी से थोड़ा बेसी डालेंगे क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा सोयाबीन के अंदर पानी। और सूखा देना तो जैसे मैंने दिखाया वैसे दे दीजिए लंच में। पका लेंगे तो ओके। तो इस सब्जी का रिजल्ट, सब्जी का रिजल्ट देख पा रहे हैं, इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना कि आपका एक रोटी खाने का भी मन ना हो तो आप यहाँ चार रोटी खाएंगे। तो बनाइए। और अब गैस का यहाँ फ्लेम करेंगे बंद। और इस तरह से हमारे इधर चावल बन रहे हैं। हम तो चावल साथ खाएंगे, इसके साथ खाओगे और कौन कौन सा रेसिपी आप और भी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप सोयाबीन का किस तरह का रेसिपी बनाते हैं। हमने तो चावल साथ खाने का सोचा है, आप इसको किस चीज़ के साथ खाएंगे? आप इसको किस चीज़ के साथ खाएंगे पता? ये आप आ जाइए।